हर व्यक्ति को बाकी सभी से अलग बनाया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर इंसान अपने अंदर की खास चीज को खोजे और उस बुद्धि को प्रकट करने के बारे में सोचे जो हम खुद हैं। अगर हम किसी और के द्वारा किए जा रहे काम को करने की कोशिश करेंगे तो एक चीज है कि ये शायद आसान हो, क्योंकि रास्ता तय है, वो पहले से ही उस पर चल चुके हैं, तो मैं भी वही करूंगा, ऐसा करना आसान है। लेकिन जीवन की सुंदरता है अपनी खुद की पूरी संभावनाओं को खोजना, न कि किसी और से बेहतर कुछ करना, न कि कुछ ऐसा करना जो दूसरों ने किया है। आपका किसी और से बेहतर होना, इसका कोई महत्व नहीं है, और आपका किसी और की तरह होना भी महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी दो लोग शरीर व मन से एक जैसे कभी नहीं होते, है ना? शरीर व दिमाग से आप दो लोगों की कभी भी तुलना नहीं कर सकते। ये एक तरह का है और वो दूसरी तरह का है, पूरी तरह से अलग। कभी भी ये दो चीजें एक सी नहीं हो सकती। जो करना है वो कीजिए। तो मानव होने की ये खूबसूरती है, किसी की नकल करके इसे नष्ट मत कीजिए। नकल को अपने विकास के पिछले चरण में ही हमें छोड़ देना चाहिए था। क्या आप समझे? हमें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। लेकिन रोल मॉडल होने के बारे में ये चीजें इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि इस विषय पर एक पूरी अमेरिकी विचारधारा है, जहां पर वे आपको हमेशा बताते रहते हैं कि अपना जीवन कैसे मैनेज करें, इंडस्ट्री कैसे मैनेज करें, कैसे खाएं, ये कैसे करें, अपने बाल कैसे रखें, हर चीज का स्टैंडर्ड सेट है। एक इंसान के बाल दूसरे के बाल से अलग हैं, इनको एक ही तरीके से नहीं रखा जा सकता, है ना? हेलो, इनको समान रूप से नहीं रखा जा सकता। सिर की बात छोड़िए, बाल भी अलग हैं, है ना? तो लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सदगुरु आप ऐसे बन गए, आपके रोल मॉडल कौन है? ये रोल मॉडल का चक्कर आप छोड़ दीजिए। आप सभी युवा लोग, आपको एक काम करना चाहिए, किसी तरह आप ऐसा स्थान खोजें जो मदद करे लेकिन आप पर कोई असर न डाले। No influence from the peers. साथियों का असर ना हो, प्रोफेसर का, माता पिता का, समाज का कोई असर ना हो। ऐसा स्थान चुनिए जहां पर आपको भोजन व अन्य चीजों की मदद उपलब्ध हो। अपनी जरूरत के मुताबिक वहां पर कम से कम 3 से 10 दिन गुजारिए और ध्यान से देखिए कि वो कौन सी चीज है जो आप जीवन में वाकई करना चाहते हैं। क्या आपका जीवन कीमती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपका जीवन कीमती है? अगर ये कीमती जीवन है तो आप इस जीवन का निवेश किसमें करना चाहेंगे, इस पर विचार करें। कुछ ऐसा ना करें जो कोई और कर रहा है। अगर ये कीमती जीवन है तो मैं इस जीवन को कहां लगाना चाहूंगा? ये पेशे का या किसी और के जैसे बनने का सवाल नहीं है, ये कमाने या किसी और के जैसा जीवन जीना नहीं है। सवाल ये है कि मैं इस जीवन का क्या बनाना चाहता हूँ, मैं इस जीवन का निवेश कहां और किसमें करना चाहता हूँ। तो इस पर आप गंभीरता पूर्वक विचार करें। आज अगर आप किसी चीज को अपना रहे हैं तो इसे इस तरह देखें कि आज से 25 साल बाद यह आपके लिए कुछ मायने रखेगा। आप जो भी करने की योजना बना रहे हैं, 50 सालों के बाद भी यह मायने रखेगा। जीवन के अंत में अगर आप मुड़कर देखें तो क्या आप एक संतोष से भरे इंसान बनकर मरेंगे? ये चीज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये आपका जीवन है और आपने कहा कि ये कीमती है। अगर ये जीवन कीमती है तो इस पर थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है। वो मत कीजिए जो कोई और कर रहा है, ये जीने का तरीका नहीं है।